देसी नस्ल के पेट्स पालने को लेकर चले आ रहे घमासान में अब नगर निगम के आदेशों ने आग में पेट्रोल डालने का काम किया है। नगर निगम द्वारा पेट्स लवर्स को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इन नोटिस के साथ ही पेट्स लवर को कहा जा रहा है कि या तो वो अपने विदेशी नस्ल के कुत्तों को देसी नस्ल में तब्दील कर दे, अन्यथा निगम की तरफ से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के तहत उनके पेट्स को नगर निगम द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, नोटिस देने जा रहे निगम कर्मचारी पेट्स लवर पर दबाव बनाते हुए अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं कि या तो विदेशी नस्ल के पेट्स को खुद मार दें, नहीं तो 30 दिन बाद नगर निगम की तरफ से कार्रवाई करते हुए उनके पेट्स को मार दिया जाएगा। मैंने अपने पेट को रजिस्टर कराया हुआ है MCG के अंडर और मुझे नोटिस आया कि आपका फॉरेन ब्रीड है, तो आपको इसे इसके पेपर्स, लीनियज पेपर्स जो हैं कि कहाँ से लिए हैं, कौन से ब्रीडर से, और ये डिटेल्स वो आपको प्रोड्यूस करने हैं। तो अब ये सुन के मेरे पास मतलब जब मैं कूड़े के डब्बे के पीछे ये मिले हैं हमें, हमने इनको रेस्क्यू किया, तो मैं क्या प्रोड्यूस करूँ, कैसे पेपर प्रोड्यूस करूँ। तो मैं गई और DCM के ऑफिस गई और पूछा कि भाई ये कैसे, कहाँ से लाएं। तो कहते हमें ये सब नहीं पता है, आप जहाँ से लाएं आप देखें, या तो आप प्रूफ करिए कि ये जो फॉरेन ब्रीड है वो एक इंडी है, देसी कुत्ता है, तो डॉगो अर्जेंटिनो है मेरा ब्रीड, तो उसको आप प्रूफ कर दीजिए, या तो इंडी है और या तो आप उसको मतलब आप पेपर्स निकालिए कहीं से भी, तो हम बाकी नहीं जानते। तो हम आपको वैसे तो 5 दिन के अंदर आपको हम ले जाएंगे आपके डॉग को, पर हम आपको 5 दिन नहीं, 1 महीना देते हैं, तसल्ली से पता कीजिए क्या करना है, प्रूव करना है कि वो इंडी है तो वो भी लाके दीजिए, नहीं करना है तो पेपर ढूंढ के लीजिए, और फिर उसके बाद हम, वरना नहीं होगा 1 महीने में, तो हम आपके डॉग को उठा के ले जाएंगे और उसको डिस्ट्रॉय कर। आपको बता दें कि गुड़गांव में कई ऐसे लोग हैं जो स्वतंत्र रूप से अथवा NGO के रूप में काम करते हैं, काम करते हुए पेट्स को अलग अलग स्थानों से रेस्क्यू करते हैं। इन पेट्स को रेस्क्यू करने के साथ ही उन्हें अडॉप्ट कर लेते हैं और नगर निगम से लाइसेंस भी लेते हैं। अब ऐसे रेस्क्यू किए गए पेट्स को न तो इम्पोर्ट लाइसेंस होता है और न ही ब्रीडिंग सेंटर से सर्टिफिकेट मिलता है। आरोप है कि नगर निगम अधिकारियों द्वारा RWA के साथ मिलकर ऐसे लोगों को ही टारगेट किया जा रहा है। अनावश्यक रूप से दबाव बनाए जाने से इन पेट्स लवर्स में डर का माहौल बन गया है। नगर निगम ने 6 दिसंबर को एक नोटिस जारी किया था जिसमें ये पेट रजिस्ट्रेशन के इन्होंने पब्लिक नोटिस दे दिया था कि आप अपने कुत्ते रजिस्टर कराना शुरू करें। इन्होंने उसमें एक बहुत बड़ी लिस्ट बना के दी थी कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के ये पॉलिसीज़ और गाइडलाइंस जो हैं इनके इम्प्लीमेंटेशन के तहत ये काम किया जा रहा है। पर ये जानना ज़रूरी है कि जो स्टेट एक्ट के अंडर ये काम कर रहे हैं वो स्टेट एक्ट के कई प्रोविजन्स हैं जो जीव हत्या की मांग करते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि कई लोग जो यहाँ अपने कुत्ते रजिस्टर करके बैठे हैं ऑलरेडी, और उनके बाहर के ब्रीड के कुत्ते उन्होंने रेस्क्यू करे हैं, कितने लोग अडॉप्ट करते हैं उन कुत्तों को जो हम रेस्क्यू करते हैं, कोरोना काल में बहुतों को छोड़ा गया, और आम ब्रीडर्स अपने इन कुत्तों से ब्रीडिंग करा के छोड़ देते हैं जिनको हम रेस्क्यू करते हैं और अडॉप्शन कराते हैं। MCG उन पर दबाव बना रही है लगातार कि इन कुत्तों के इम्पोर्ट के पेपर दिए जाएँ, इनके ब्रीड के और रिलेटेड पेपर इनको प्रोवाइड किए जाएं, जो कि उन लोगों के लिए तो पॉसिबल है नहीं जिन्होंने इनको रेस्क्यू किया है या अबैंडन कुत्ते को घर दिया है। और कहा जा रहा है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो 1 महीने के अंदर अंदर आपके यहाँ से कुत्ता उठा लिया जाएगा। एक्ट का प्रावधान जो पब्लिक नोटिस में न्यूज़पेपर में दिया गया है वो साफ साफ कह रहा है अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है और ये जो भी पेपर वर्क मांगा जा रहा है नहीं आता है तो कुत्ते को मार दिया जाएगा। ये किसी संस्था के साथ भी इसको लेके काम कर रहे हैं जिसका कोई ऑफिशियल टेंडर से उसको नहीं हायर किया गया है। नगर निगम के इस फरमान के बाद पेट्स लवर्स नगर निगम के सेक्टर 34 कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों से इस कार्रवाई के बारे में बात करनी चाहिए। पेट्स लवर्स का आरोप है कि जैसे ही नगर निगम के डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर को इस बारे में सूचना मिली थी, वो सेक्टर 34 कार्यालय से नगर निगम मानेसर के कार्यालय चले गए। दरअसल पिछले दिनों एक महिला को विदेशी नस्ल के कुत्तों के काटने के बाद कंज्यूमर फोरम ने विदेशी नस्ल के 11 कुत्तों पर बैन लगा दिया था।
इस बैन के बाद पेट्स लवर्स ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की। इस याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कंज्यूमर फोरम के आदेशों पर स्टे लगा दिया। इसके साथ ही नगर निगम को आदेश दिए गए कि वो पेट्स के लिए भी नियम बना सके। गुरुग्राम से पवन कुमार सेठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।